पर घालूंगी बावन गज का दामन पैर मटके। सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी। सो गाइस, मेरा नाम है विनय और गाइस आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और गाइस मैं आ चुका हूं न्यू एडिटिंग वीडियो के साथ। और गाइस आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं कि गाइस आप कुछ इस तरह का ट्रेंडिंग व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। और गाइस इस तरह का स्टेटस बनाने में जो भी मटेरियल यूज होगा उनके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। सो गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लो ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो गाइस चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, सो गाइस मैंने अपना काइनमास्टर ओपन कर लिया है। अगर आपके पास काइनमास्टर नहीं है उसका भी लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस जब भी काइनमास्टर को ओपन करेंगे डाउनलोड करने के बाद, सो गाइस आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। सो गाइस आपको प्लस पर क्लिक करना है और गाइस क्लिक करने के बाद आपको 1:1 के रेशियो पर क्लिक कर देना है। और गाइस क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन शो कर रहा है मीडिया का, सो गाइस मीडिया पर क्लिक करना है। और गाइस क्लिक करने के बाद आपको अपने 5 या 6 फोटो लेने हैं। तो गाइस जितना बड़ा आप स्टेटस बनाना चाहते हैं उस हिसाब से गाइस आप अपने फोटो ले सकते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पर फोटो ले लेता हूँ। सो गाइस मैंने यहाँ पर फोटो ले ली है। सो गाइस इस फोटो पर क्लिक करना है और गाइस क्लिक करने के बाद आपको इस पर जाना है। और जाने के बाद आपको इस तरह से इस फोटो को जूम करना है। और गाइस जूम करने के बाद आपको साइड में इक्वल का साइन है, इस पर भी आपको क्लिक कर देना है। सो गाइस मैं सभी फोटो को इस तरह से क्लिक जूम कर लेता हूँ। तो इस फोटो पर क्लिक करना है और जाना है, और जाने के बाद आपको इस तरह से जूम कर लेना है। तो गाइज मैंने सभी फोटो को जूम कर लिया है। सो गाइज अब क्या करना है, आपको फोटो पर क्लिक करना है। और इस क्लिक करने के बाद आपको नीचे साइड एक ऑप्शन मिलेगा विग्नेट का, तो गाइज आपको विग्नेट को इनेबल कर देना है। सो गाइज आपको सभी फोटो में विग्नेट को इनेबल कर देना है। सो गाइज मैंने सभी फोटो में विग्नेट को इनेबल कर दिए हैं। सो गाइज अब क्या करना है, गाइज आपको एक बॉक्स पर क्लिक करना है। और गाइस बॉक्स पर क्लिक करने के बाद आपको गाइस ट्रांजिशन इफेक्ट ऐड करना है। गाइस आपको लाइन वाइप वाला गाइस आपको इसमें ट्रांजिशन इफेक्ट ऐड कर देना है। और गाइस अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो गाइस आप गेट मोर पर क्लिक करने के बाद आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस जब भी आप इसको डाउनलोड करो आप इंटरनेट कनेक्शन ओपन कर लेना। तो गाइस मैं इस तरह से इन्हें गाइस ऐड कर लेता हूँ। सो गाइज मैंने इनमें ट्रांजिशन इफेक्ट ऐड कर दिए हैं। सो गाइज अब क्या करना है, गाइज आपको इसमें शेयर में जाना है। और गाइज शेयर में जाने के बाद आपको इसकी क्वालिटी को सिलेक्ट करने के बाद आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। सो गाइज वीडियो एक्सपोर्ट हो चुका है। तो गाइज अब आ जाना है आपको बैक। और गाइज बैक आ जाने के बाद आपको फिर से प्लस पर क्लिक करना है और गाइज 9:16 रेशो पर क्लिक कर देना है। और गाइज क्लिक करने के बाद आपको आपके सामने एक ऑप्शन शो कर रहा है मीडिया, तो गाइज मीडिया पे जाना है, वो बैकग्राउंड में जाना है। गाइज आपको एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड लेना है। और लेने के बाद गाइज आपको इसकी बैकग्राउंड पर क्लिक करना है। और गाइज क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इसकी लेयर को बढ़ा लेना है। तो गाइज अब क्या करना है, गाइज आपको लेयर में जाना है। और गाइज लेयर में जाने के बाद आपको मीडियम जाना है। गाइज मीडियम जाने के बाद आपको एक ग्रीन स्किन वीडियो लेना है। और गाइज वीडियो लेने के बाद आपको इसको फुल स्किन करना है। और गाइज फुल स्किन करने के बाद गाइज आपको फिर से इस वीडियो पर क्लिक करना है। और गाइज क्लिक करने के बाद आपको नीचे साइड एक ऑप्शन मिलेगा क्रोमा की का, तो गाइज आपको क्रोमा की पे जाने, गाइज आपको इसको इनेबल कर देना है। सो गाइज ये देखिए हमारा बैकग्राउंड हट चुका है। सो गाइज अब क्या करना है, गाइज आपको लेयर में जाना है। और गाइज लेयर में जाने के बाद आपको मीडियम जाना है। गाइज वो वाला वीडियो लेना है जो भी हमने एक्सपोर्ट किया था। सो गाइज मैंने यहाँ पर ये वीडियो ले लिया है। सो गाइज अब क्या करना है, गाइज आपको 3 डॉट पर जाना है। और गाइज 3 डॉट पर जाने के बाद आपको इसको सेंड टू बैक कर लेना है। और गाइज सेंड टू बैक करने के बाद आपको इस तरह से थोड़ा सा जूम कर लेना है।
सो गाइज अब क्या करना है गाइज, आपको लेयर में जाना है और गाइज लेयर में जाने के बाद आपको मीडियम जाना है गाइज, आपको एक पीएनजी फोटो लेना है और गाइज पीएनजी फोटो लेने के बाद आपको ऊपर की साइड लाना है और लाने के बाद आपको इस तरह से इसको जूम कर लेना है और गाइज जूम करने के बाद आपको इस तरह से इसको यहाँ पर लगा देना है और गाइज इस फोटो की लेयर को आपको इतना कर लेना है जितना हमारा बैकग्राउंड फोटो है। सो गाइज अब क्या करना है गाइज, आपको लेयर में जाना है और गाइज लेयर में जाने के बाद आपको मीडियम में जाना है गाइज, मीडियम में जाने के बाद आपको एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो लेना है और गाइज लेने के बाद आपको नीचे साइड एक ऑप्शन मिलेगा क्रॉपिंग का, तो गाइज क्रॉपिंग पे जाके आपको इस तरह से इसको क्रॉप करना है और गाइज क्रॉप करने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना है और गाइज क्लिक करने के बाद आपको फिर से इस वीडियो पर क्लिक करना है और गाइज क्लिक करने के बाद आपको नीचे साइड एक ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग का, तो गाइज ब्लेंडिंग पे जाके आपको स्क्रीन कर देना है और गाइज स्किन करने के बाद आपको फिर से इस वीडियो पर क्लिक करना है और गाइज क्लिक करने के बाद आपको इस तरह इसको छोटा करना है और गाइज छोटा करने के बाद आपको इस तरह से इसको यहाँ पर लगा देना है। सो गाइज अब क्या करना है गाइज, आपको लेयर में जाना है और गाइज लेयर में जाने के बाद आपको मीडियम में जाना है और गाइज मीडियम में जाने के बाद आपको गाइज एक इफेक्टिव वीडियो लेना है और गाइज लेने के बाद आपको इस तरह इसको रोटेट करना है और गाइज रोटेट करने के बाद आपको इस तरह इसको फुल स्किन करना है और गाइज करने के बाद आपको नीचे साइड एक ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग का, गाइज ब्लेंडिंग पे जाके आपको स्क्रीन कर देना है। सो गाइज अब क्या करना है गाइज, आपको फिर से लेयर में जाना है और गाइज लेयर में जाने के बाद आपको मीडियम में जाना है गाइज, मीडियम में जाने के बाद आपको फिर से एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो लेना है और गाइज लेने के बाद आपको इसको फुल स्क्रीन करना है और गाइज फुल स्क्रीन करने के बाद आपको फिर से इस वीडियो पर क्लिक करना है और गाइज क्लिक करने के बाद आपको नीचे साइड एक ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग का, सो गाइज ब्लेंडिंग पे जाके आपको स्क्रीन कर देना है। सो गाइज हमारा स्टेटस बन के रेडी हो चुका है, मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। सो गाइज आप खुद ही देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है और गाइज अगर आपको इसमें सॉन्ग ऐड करना है तो गाइज ऑडियो में जाना है और गाइज ऑडियो में जाने के बाद आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, जो भी आप सॉन्ग ऐड करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं और गाइज अगर आपको ये स्टेटस अपनी गैलरी में सेव करना है तो गाइज शेयर में जाना है और गाइज शेयर में जाने के बाद आपको इसकी एक्सपोर्ट कर लेना है, ये स्टेटस आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा, आप इसको कहीं भी शेयर कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगा सकते हैं। गाइज वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और गाइज चैनल पर नए हो तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लो ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सो गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।